हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आया हूं अपने दोस्तों के साथ हाजी मौलंग दरगाह। ये जो ठीक सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ के ऊपर है हाजी मौलंग दरगाह। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमें कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। हाजी मौलंग आने के लिए आप कल्याण से होके आ सकते हैं। कल्याण से हाजी मौलंग आने के लिए ऑटो रिक्शा भी आता है, टैक्सी भी आता है और बस भी आता है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप खुद की गाड़ी से भी कल्याण से होके हाजी मौलंग आ सकते हैं। इस पहाड़ के पूरा ऊपर तक चढ़ने के लिए हमें 3 घंटा तक लग जाएगा। इस तरफ से रास्ता है, इस तरफ से रास्ता है पहाड़ पे जाने का। यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करने के लिए इस काउंटर पर 2 रुपया देना पड़ता है। एक आदमी का 2 रुपया लगता है। हम 5 लोग थे, इस काउंटर पर 10 रुपया देकर हम लोगों ने यहाँ से आगे का सफ़र शुरू किया। आ गए फिर आपके पास। अस्सलामुअलैकुम। शुरू की कुछ सीढ़ियाँ कुछ दूर तक पक्की बना दी गई है। अभी पूरा ऊपर तक सब सीढ़ी पक्की नहीं बनी हुई है। ये देखो गाइस, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से इस पहाड़ का। हम लोगों ने इस पहाड़ का आधा सफ़र पूरा कर लिया है।
तो गाइस हम लोग आ गए हैं इस दरगाह पर पहली सलामी पेश करने। आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए। हम लोग इस दरगाह पर काफ़ी देर तक रुके थे, ज़ियारत की और फातिहा भी पढ़े। बहुत भीड़ था यहाँ पर, काफ़ी लोग आए हुए थे। इस दरगाह पर हम लोगों ने पहली सलामी पेश करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से आगे का सफ़र शुरू किया दूसरी और तीसरी सलामी के लिए। दूसरी और तीसरी सलामी के लिए दोनों दरगाह पहाड़ के पूरा ऊपर है। रास्ते में आपको बहुत सारे बंदरे भी मिलेंगे मोबाइल ना छीन के हमने चना ले लिया था। ये है गाइस मिनी ट्रेन की पटरी, ये अभी बन रहा है नीचे से ऊपर आने के लिए, अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। वेलकम का गेट सामने लगा हुआ है। हम लोग पहुंच गए हैं सीढ़ियों के मेन गेट के पास। ये गेट हाजी मौलंग दरगाह के ट्रस्ट की तरफ से लगा हुआ है। यहाँ से हाजी मौलंग दरगाह 10 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे ये दूसरी सलामी है, ये है हाजी मौलंग दरगाह।
क्या बज लो दरगाह इधर दरगाह यहाँ है यहाँ चलो चादर 50 रुपए वाली। ये जो ठीक सामने दरगाह शरीफ दिखाई दे रहा है, इस दरगाह शरीफ पे हम लोगों ने हाजिरी दी, दूसरी सलामी पेश की, फातिहा पढ़ा, फिर हम लोग यहाँ से रवाना हुए तीसरी सलामी के लिए हाजी मौलंग दरगाह पर। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हाजी मौलंग दरगाह। तो गाना है दरगाह में बोलो ये बातों वाला ये साइड से हो तो गाइस हम लोग आ गए हैं हाजी मौलंग दरगाह पर तीसरी सलामी पेश करने के लिए। अब हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे दरगाह के अंदर, सलामी पेश करेंगे और फातिहा पढ़ेंगे। तीसरी सलामी के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पांच पीर मजार शरीफ की तरफ।
हमें इस तरफ से जाना है। अबे भाग भाग, देखते रहे हाथ से ले छीनेगा बंदर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, मन्नत का सिक्का चिपकता है। कहा जाता है जिसका सिक्का चिपक जाता है उसका मन्नत पूरा हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, कई लोगों ने अपना सिक्का चिपकाया है। ये देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं पांच पीर मजार शरीफ की तरफ। रास्ता थोड़ा डेंजर है, पर कोई बात नहीं, हर कोई आराम से चला जाता है इस डेंजर रास्ते से। बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई आराम से गुजर जाता है इस रास्ते से। मैं उतार रहा हूँ।
अभी नया नया हूँ। चैनल का नाम क्या है? सदर आलम व्लॉग। सदर आलम व्लॉग। ये भाई का व्लॉग का नाम ले भाई, अपनी वीडियो डालेगा अपन दिखाएंगे सबको एरिया में आके फेमस हो गए। ये फरहान भाई व्लॉग में। हाँ सदर आलम व्लॉग। हम लोग पहुंच गए हैं पांच पीर मजार शरीफ के पास। यहाँ पर हमने सलामी पेश की और फातिहा पढ़ा। बहुत अच्छा मजार शरीफ है। पांच पीर मजार शरीफ पर हाजिरी देने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ। कुआं में पानी पूरा भरा हुआ है। हम लोग घर जा ही रहे थे कि हमें याद आया कि हम लोग घोड़े के टाप के पास तो गए ही नहीं, जहाँ पर घोड़े ने छलांग लगाकर टाप मारी थी और चश्मा जारी हो गया घोड़े का वो वहाँ से वहाँ। तो चलिए चलते हैं घोड़े के टाप के पास। हाँ ये वो कुआं है। इसमें भी पानी आ चुका है। ये कुआं में भी ये कुआं में भी पानी आ चुका है। पानी है इसमें ना। हाँ तो नाजरीन हम लोग आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर घोड़े ने छलांग लगाकर टाप मारी थी। घोड़े के छलांग लगाकर टाप मारने की वजह से ये पहाड़ जो है तीन हिस्सा ज़मीन में धस गया और एक हिस्सा ऊपर ही रह गया, जो कि ये एक हिस्सा ये पूरा पहाड़ है। घोड़े ने छलांग लगाकर जिस जगह पर टाप मारी थी उस जगह से पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर इस पानी से हाजी मौलंग बाबा ने वजू फरमाया और नमाज अदा की। ये पानी का चश्मा तब से लेकर आज तक जारी है। ये हाजी मौलंग बाबा का जिंदा करामात है। देख सकते हैं आप लोग ये पानी का चश्मा। हम लोगों ने इस चश्मे का पानी पिया और एक बोतल घर भी लेकर गए। बाकी सब लोग भी इस चश्मे का पानी पी रहे थे और घर भी लेकर जा रहे थे। ये पानी बहुत साफ सुथरा और शिफा वाला पानी है।
चलो चलो आज